जैसे बना बनाया जो भोजन रखते हैं, वो बनाने के बाद भोजन करने के पहले कहीं ना कहीं बना कर रखा जाता है भोजन, फिर उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठते हैं, जैसा जो भी है जहाँ भी भोजन करते हैं, तो भोजन रखने की जो जगह है जी वो क्या आपके घर के आसपास दरवाजे के आसपास ही रसोई है कि बिल्कुल लास्ट में रसोई है? दरवाजे के पास ही है बिल्कुल। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि दरवाजे के पास ही जो रसोई, इसमें दो परिवर्तन हुए, दो परिवर्तन। 2012 के आसपास आपके दरवाजे पर एक डॉगी बैठने लगा। हाँ, ये तो आता है, अभी भी मैं निकल के जस्ट देखी तो फिर तो भी एक था, ठीक है ना। और ये डॉगी क्या ब्लैक है या ब्राउन है? अभी जो निकली वो ब्राउन था, मोस्टली ब्लैक आता है। तो ये डॉगी का दरवाजे पर बैठना आपकी बीमारी से संबंधित है, एक बात। ये हमारी ज्योति से बड़ी ही विचित्र विलक्षण है, आप उसको आजमा कर देख लीजिए, फर्क पड़ जाएगा जी। ये तो पहले से ही पता है गुरुजी, तभी आपको इतना ढूंढ रहे थे। और मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कभी मोबाइल नहीं छूटी हूँ, मैं रात में 1:30 बजे मेरी नींद खुली है और मैं देखी हूँ फोन में और आप दिखे हैं। ठीक है, शायद आपका मिलने का ही था, इसलिए मैं शायद उठी, जो भी है। संयोग है बेटा, भगवान को मिलाना था तो जी आपकी जी समस्या का समाधान होना। दूसरी बात यह है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जी दरवाजे के पास रखा गया 2012 में। हाँ, मीटर है, मीटर का अदली बदली हुआ है दरवाजे के पास में। तो ये इसके कारण आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक ये बिजली का मीटर जिम्मेदार हो गया, एक डॉगी जिम्मेदार हो गया, और एक ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये भी तो फ्रिज भी तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। हाँ, ये बदलाया है गुरुजी, ये बदलाया अभी याद आ रहा है मुझे। हाँ, इसका जगह चेंज हुआ और फिर भोजन रखाने लगा इसमें, ठीक है, ये हुआ है। और उसके बाद से आपको असहनीय पीड़ा, जिसका समझ ही में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है, पेट में तकलीफ क्या है। हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ, और मेरा ऑपरेशन भी हुआ उसके कारण से, और तकलीफ बनी ही रहती थी और अभी भी बनी ही हुई है, थोड़ा थोड़ा टाइम में होता है वो।